हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार पूजा घर में या मंदिर में कोई भी मूर्ति टूट जाती है तो उसे खंडित माना जाता है। आपने देखा होगा कि लोग किसी भी मूर्ति के टूटने के बाद उसे पानी में बहा देते हैं या फिर उसे पेड़ के नीचे रख देते हैं। कहते हैं जिस मूर्ति की हम पूजा करते हैं उसमें भी प्राण होते हैं जो कि टूटने के बाद चले जाते हैं, वह खंडित हो जाती है यानी पूजा करने के लायक नहीं रहती है। लेकिन क्या कभी किसी ने सोचा है कि भगवान शिव का शिवलिंग क्यों खंडित नहीं होता है? तो चलिए आपको बताते हैं हम शिवलिंग का सबसे बड़ा राज। आपको बता दें हिंदू शास्त्रों की मान्यता के अनुसार भगवान शिव ब्रह्म रूप हैं और उनका पूजन हर रूप में किया जाता है। शिवलिंग किसी स्थान से टूट जाए तो उसे दूसरों से बदलने की परंपरा नहीं होती है। भगवान भोलेनाथ का ना कोई आदि है और ना ही कोई अंत है, वह सदैव निरंकार रहते हैं। इस वजह से इनका शिवलिंग का रूप भी साकार है। आपने जो शिव के रूप को तस्वीरों में देखा है वह उनका एकमात्र से काल्पनिक रूप दिखाया गया है। इनका असली रूप शिवलिंग है जिसका कोई रूप नहीं है, इस वजह से ही शिवलिंग को खंडित नहीं माना जाता है। भगवान शिव को लिंग के रूप में पूजा जाता है, इस लिंग का कोई आकार नहीं है, यह निराकार इसे पूरा जगत भगवान शिव के रूप में पूजता है। कहा जाता है कि यदि शिवलिंग बहुत ज्यादा भी टूट जाए तब भी इसकी पूजा की जा सकती है। लेकिन ध्यान रखें जब भी शिवलिंग की पूजा करें तो भक्त का मुंह उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए, इससे विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल की रिपोर्ट।